बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। माय नेम हुमा मेर, माय यूट्यूब चैनल किचन विद हैश हुमा। आज मैं आपको अरबिक स्टाइल में कौरमे की रेसिपी बताऊंगी कि घर में किस तरह से तैयार करते हैं। चिकन के पीसेस लेंगे जिन्हें हम नाइफ की मदद से कट करेंगे। इसके हमने पीसेस बना लेने हैं नाइफ की मदद से। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड कॉमेंट एंड शेयर लाजमी किया करें एंड बेल लाइकन को क्लिक लाजमी किया करें। एक कप के करीब हमने दही ले लेनी है। हाफ कप भी डाल सकते हैं सॉल्ट। एक टीस्पून चेरी पाउडर, एक टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ टीस्पून गार्लिक पाउडर, एक टीस्पून ओनियन पाउडर, एक टीस्पून गरम मसाला पाउडर, जीरा पाउडर एक टीस्पून, धनिया पाउडर एक टीस्पून, गरम मसाला पाउडर एक टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, लेमन जूस ऐड कर देना और ऑयल ऐड करना 1 टीस्पून। देन मिक्स वेल। जो हमारा शवारमे का मसाला है वो हमारा तैयार हो चुका है। इसमें हमने अब चिकन की जो बनाए थे पीसीस वो हमने इसमें ऐड कर देने हैं। मैरिनेटेड 3/4 गार्लिक, विनेगर, लेमन जूस, मायोनीज 1/2 कप या 1 कप आप ऐड कर सकते हैं। देन हमने इसे ब्लेंड कर लेना है। सॉल्ट ऐड करना है हमने इसे। ब्लैक पेपर 1 टेबल स्पून ऐड कर देना है हमने इसमें। थोड़ा सा हमने मिर्ची ऐड कर देनी है हमने खुश्क, और ऑयल ऐड कर देना है दोबारा से। देन हमने ब्लेंड करना है इसे। ब्लेंड करना है थोड़ा। चटनी बनाई हुई थी और हमने ऑयल ऐड कर देना। चिकन को हमने खाना है अच्छी तरह। दोनों साइडों से हमने अच्छी तरह इसे पका लेना। ये देखिए हमारा कम्प्लीटली जो है चिकन वो पक चुका है। अब इसे हम डिश आउट करेंगे। पक गया हमारा। उसके बाद नाइफ की मदद से हम इसके पीसेस बना लेंगे छोटे छोटे। पीसेस हमने तकरीबन बना ली हैं। देन हमने फिर ऑयल ऐड करना है और जो वेजिटेबल्स हमने कट किए थे उसे अच्छी तरह इसमें पका लेना है। ऑनियंस ऐड कर देने हैं इसमें। देन फ्राई करना है हमने इसे, अच्छी तरह पकाना है 3 मिनट तक। के बाद डिश आउट करने हमने इसको भी। अब हमने शवारमे की लेना है रोल, जिसमें हमने केचप ऐसे सॉस जो है वो लगा देना जो हमने चटनी बनाई थी मायोनीज की। ये हमने इस तरह से लगा देनी है। फ्राइज हमने बनाए हुए थे, फ्राइज हमने ऐड कर देने हैं। चाइनीज़ फ्राइज बनाए थे। बंद गोभी ऐड कर देनी है इसमें। जो वेजिटेबल हमने कट किए हुए थे और पकाए थे वो ऐड कर देने हैं हमने इसमें।
फिर साथ साथ ऐड कर देना। देन जो हमने चिकन बनाया था वो हमने इसमें ऐड कर देना है अच्छी तरह से। शवारमे का सॉस फिर ऊपर से हमने ऐड कर देना है इसमें। उसके बाद अब हमारा शवारमा भी तैयार हो गया है। देन इसे फोल्ड कर देना है हमने। सो हमारी रेसिपी तैयार है, आप लोग भी इस घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल किचन विद हैश हुमा। और दुआओं में याद रखना। देन हमने और इसी में ही थोड़ा सा बटर ऐड करके इसको हमने पका लेना है साइड से। हमारी साइड्स जो हैं पकती जा रही हैं, देखिए कितना प्यारा लुक आ रहा है। आप लोग भी घर पर ये रेसिपी लाजमी ट्राई करें और जिसको रेसिपी अच्छी लगी है तो वो कमेंट में लाजमी बताइएगा। ये देखिए नाइफ में से कट करेंगे। ये देखिए हमारा अंदर से कितना टेस्टी दिख रहा है और खाने में भी टेस्टी ही होगा। ओके गाइस, रेसिपी तैयार है। अल्लाह हाफिज़।